अब हम बात कर रहे हैं एलएजीबी रूल की। एलएजीबी रूल क्या होता है? जब भी हम किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो फंक्शन की वैल्यू कैसे एक्सेस होगी, कैसे नहीं एक्सेस होगी, ये डिसाइड करता है एलएजीबी रूल। ठीक है, उसके लिए पीछे जो बैकग्राउंड पे जो प्रिंसिपल काम करता है वो एलएजीबी रूल होता है। इसका फुल फॉर्म है लोकल एनक्लोज ग्लोबल बिल्ट इन रूल। यानी इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब तुम किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हो तो सबसे पहले उसे लोकल स्कोप में ढूंढा जाता है। अगर वो वेरिएबल लोकल स्कोप में नहीं मिला तो उसे एनक्लोज स्कोप में देखा जाता है। अगर वो एनक्लोज स्कोप में नहीं मिला या एनक्लोज स्कोप ही नहीं था तो फिर वो ग्लोबल स्कोप में ढूंढा जाता है। और अगर ग्लोबल स्कोप में मिल गया तो ग्लोबल स्कोप से वैल्यू उठा लेंगे उसकी। और अगर वो ग्लोबल स्कोप में नहीं मिला तो फिर हम बिल्ट इन में ढूंढेंगे। और अगर बिल्ट इन में भी नहीं मिला तो फिर एरर आएगी। मतलब कुल मिला के आपके जितने स्कोप वहां पर पॉसिबल है वो सारे स्कोप में आप देखोगे लोकल से एनक्लोज, एनक्लोज से ग्लोबल, ग्लोबल से बिल्ट इन। कहने का मतलब है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तुमसे कोई कह दे प्लीज ये देखो कि ये क्वेश्चन है, राइट, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पाई इज इक्वल्स टू वाली वैल्यू जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये वैल्यू सिर्फ कहा जाए, ये बताओ पाई की वैल्यू, हर जगह मैंने पाई की वैल्यू सेम रखी, तो बताओ सबसे पहले पाई की वैल्यू यहाँ क्या प्रिंट होगी। और ये सारे हटा दो, ये सब हटा दो, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लोकल स्कोप में वैल्यू। अब मुझे बताओ कि पाई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया पाई। इसका आंसर है 70 लोकल स्कोप, जिस वेरिएबल को तुम एक्सेस कर रहे हो, जहां एक्सेस कहां कर रहे हैं हम, लोकल स्कोप में कर रहे हैं। ये हमारा लोकल स्कोप का इलाका है, फंक्शन के अंदर की जो बॉडी का सेक्शन होता है उसे लोकल स्कोप बोलते हैं। तो अगर वैल्यू वहां पर, वो वेरिएबल वहां पर डिक्लेयर है तो पहले हम लोकल से वैल्यू उठा लेंगे। कहने का मतलब अगर तुम्हें अपने बैग, अगर तुम्हें पेन चाहिए, पेन कोई भी ब्लू या ब्लैक, तो तुम सबसे पहले अपने बैग पेंसिल बॉक्स में चेक करोगे। अगर पेंसिल बॉक्स में नहीं होगा तो फिर अपने बैग में ढूंढोगे, उसकी पॉकेट्स में ढूंढोगे, मतलब अपने एरिया में। फिर जब नहीं मिलेगा देन फाइनली यू विल मूव आउट एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड के भाई डू यू हैव अ पेन, कुड यू प्लीज बोरो मी अ पेन, हाँ समथिंग लाइक दैट। सो अगर तुम्हारे पास पाई की वैल्यू तुम्हारे ही अपने स्कोप में है, इस लोकल स्कोप में ही थी, जहां तुम फंक्शन का, जहां तुम उसको एक्सेस कर रहे हो, प्रिंट करा रहे हो या यूज कर रहे हो कहीं, तो फिर वो वहीं से उठा लेगा। तो इसकी वैल्यू 70 आएगी, राइट, कितनी आएगी 70, कितनी आई 70। लेकिन अगर सपोज करो मैंने इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर दिया या कमेंट कर दिया, सपोज इफ आई डिलीट दैट लाइन, नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द वैल्यू अगेन, जस्ट वन मिनट, हाँ, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द वैल्यू, तो अब क्या है, लोकल में तो नहीं है, तो क्या एरर आ जाएगी, नहीं, लोकल में नहीं मिलेगा तो वो एनक्लोज में ढूंढेगा। और देखो एनक्लोज में हमने लिखा हुआ है नेस्टेड फंक्शन होगा तो एनक्लोज स्कोप होगा, नेस्टेड फंक्शन नहीं होगा तो एनक्लोज स्कोप नहीं होगा। क्या आई 20 आई कि नहीं आई, आई ना। लेकिन अगर सपोज करो किसी ने ग्लोबल एनक्लोज से भी इस वेरिएबल को हटा दिया होता और उसके बाद एक्सेस कर रहा होता तो क्या मिलता, 50। ठीक है, और अगर 50 को यहां से भी हटा दिया होता, ठीक है, यहां से भी हटा दिया होता तो अब पाई तो है ही नहीं कहीं, तो क्या एरर आएगी, क्या आएगी, आएगी एरर फ्रॉम मैथ, अगर मैं लिख देता हूं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक, अगर मैं लिख दूंगा तो क्या आउटपुट आएगा बताओ, आई की वैल्यू आ जाएगी 3.1415 समथिंग। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें लोकल में ढूंढा नहीं मिली तो उसने एनक्लोज में ढूंढा वहां भी नहीं मिली, फिर उसने ग्लोबल में देखा वहां भी नहीं मिली, तो फिर उसने कहां से उठा लिया, मॉड्यूल से उठा लिया। और अगर मॉड्यूल भी हटा दोगे तो वो बिल्ट इन में ढूंढेगा वहां भी नहीं मिलेगा तो एरर हो जाएगा। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया या मैं इसको डिलीट कर दूं, और अगर मैं रन कराऊं तो ये देखो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ये जुपिटर है ना, तो ये एनाकोंडा पाइथन चलता है, तो थोड़ा सा इशू एनाकोंडा पाइथन का अपना खुद का रहता है। मैं यहां पेस्ट कर दे रहा हूं और इसको सेव करके मैं रन कराता हूं। अब आप देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, एरर आ गई, नेम पाई इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि लोकल में भी नहीं है, एनक्लोज में भी नहीं है, ग्लोबल में भी नहीं बनाया, बिल्ट इन भी नहीं, बिल्ट इन में भी पाई नहीं हम उठा पा रहे डायरेक्ट, क्योंकि पैथ के थ्रू ही उठ पाएगी, तो एरर हो गई। खैर, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम होता है कि हम किसी पर्टिकुलर आइडेंटिफायर को ढूंढ रहे होते हैं, उसकी वैल्यू ढूंढ रहे होते हैं, आइडेंटिफायर सर्चिंग मैकेनिज्म है, ठीक है ना, इट डिसाइड हाउ द आइडेंटिफायर विल बी सर्च इन अ पाइथन स्कोप। कैसे, अब कैसे सर्च करते हैं, हाउ का मतलब है कैसे सर्च करते हैं, नाउ दिस इज गिवन इन द थर्ड पॉइंट, व्हेनेवर एनी आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम इज एनकाउंटर्ड पाइथन सर्च इट इनसाइड द लोकल स्कोप, इफ फाउंड हियर देन इट इज यूज, अगर वो मिल जाता है तो हम उसे वहां से यूज कर देते हैं, अदरवाइज हम उसे सर्च करते हैं एनक्लोज स्कोप में, और अगर वो इनक्लोज स्कोप में नहीं भी मिलता तो हम उसे ग्लोबल में ढूंढते हैं, ग्लोबल में अगर वो मिल जाता है तो ग्लोबल से उठा लेंगे, और अगर ग्लोबल में भी नहीं है तो बिल्ट इन में जाके ढूंढेंगे, और अगर बिल्ट इन में भी नहीं है तो नेम एरर आ जाएगी। तो ये कह रहा है इफ फाउंड इन द बिल्ट इन स्कोप देन इट इज यूज्ड, अदरवाइज नेम एरर ट्रेस बैक विल बी फ्लैश। सीधी सी बात है, पहले अपने पेंसिल बॉक्स में ढूंढा नहीं मिला, सोचो पेंसिल बॉक्स लोकल स्कोप है, फिर अपने बैग के अंदर देखा वहां भी नहीं मिला, फिर बैग में नहीं मिला तो फिर अपने पॉकेट्स में बैग ही देखा वहां भी नहीं मिला, फिर कहां ढूंढा, फिर अपने दोस्त से मांगने लगे, उसने कहा मेरे पास भी नहीं है यार, तू मांग रहा है, मतलब बुक मांग रहे थे वो यार, पेंसिल मांग रहे थे या पेन मांग रहे थे, वो पर्टिकुलर चीज जैसे आप ढूंढ रहे हो नहीं मिल रही, ठीक है, अल्टीमेटली क्या हुआ, एरर आ जाएगी। ठीक है, टीचर डांटेगा, अरे तुम चले आए बिना पेन के, कोचिंग चले आए और स्कूल चले आए,
समझ में आई नहीं बात? बोलो, एलिजिबिलिटी रूल समझ आ गया? आया ना? फटाफट अवंतिका और अबर फटाफट बताओ। यस सर।